जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपना वित्तीय बजट पेश किया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के लिए किसी न किसी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को शुरुआत करने की घोषणा की गई है। इन्हीं योजनाओं में से एक महाराष्ट्र लाडली बहन योजना है। इस योजना में राज्य सरकार सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की हर महीने की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने वाली है। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तहत भिवंडी शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुलाम हुसैन खान जो कि माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, वहीं शकील अंसारी जो कि माइनॉरिटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, भिवंडी शहर के उनके नेतृत्व में भिवंडी शहर के हुडा जूनियर कॉलेज में अनुदान योजना कैंप लगाया गया है। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तहत उन महिलाओं को जिनकी उम्र 21 साल से 65 साल तक की है, जिन्हें हर महीना 1500 रुपए का अनुदान इस योजना के तहत मिलने वाला है। भिवंडी शहर के हुडा जूनियर कॉलेज के अंदर गुलाम हुसैन अंसारी और शकील अंसारी द्वारा इस योजना के लिए एक मेगा कैंप का आयोजन रखा गया था, ताकि उन महिलाओं को फॉर्म भरने में मदद की जा सके जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। इस कैंप में ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए गुलाम हुसैन खान और शकील अंसारी की टीम लगी हुई थी, जिसमें शमीन मोमिन नावेद खान, आदिल हुमैन मोमिन 12 बजे से लेकर 6 बजे के बाद तक भी इन महिलाओं की फॉर्म भरने में मदद करते नजर आए। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पहुंचकर लाडली बहन योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के इस मेगा कैंप का आयोजन करने वाले गुलाम हुसैन खान और शकील अंसारी ने हमसे बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। तौर से ये प्रोग्राम रखा है सुबह 12 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक, और जो हिसाब से तादाद ऐसा लगता है कि शायद रात में 10-11 भी बज जाए, तो हम लोगों ने ऐसा तय किया, हम अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि हम हर एरिया में 31 अगस्त तक जो डेट है जाकर कोशिश करेंगे कि हर महिला इसका फ़ायदा उठा सके और गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, इसकी हमारी पूरी कोशिश जारी है। और आज हमने इसकी ये अच्छी सोच लेकर एक अच्छा के पास स्कीम्स है, संजय गांधी योजना है विधवाओं के लिए और जो एजुकेशनल है ओबीसी वगैरह के लिए, ये सारी स्कीम पर भी हमारे बहुत सारे बड़े पैमाने पर काम चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घुस कर इस तरीके का काम किया जाए, ताकि सारे गरीब गुरबा जितने भी बेचारे परेशान हाल है, जिनको गाइडलाइंस नहीं है, उनको एक अच्छी गाइडलाइन दे के मोहल्ले में गलियों में एक बड़ा काम किया जाए, ताकि उसका बेनिफिट घर घर तक पहुंच सके। किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का बैंक में नंबर लिंक नहीं है, उसके लिए क्या करने वाले हम लोगों ने उसका फॉर्म भरना शुरू किया है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर वो अपलोड भी करना शुरू किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का फॉर्म भरा जा रहा है। जिसका लिंक नहीं है वो जाकर इमीडिएटली अपना लिंक करा ले, आधार कार्ड में भी और बैंक में भी, क्योंकि दोनों लिंक होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से जिन लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है लिंक का प्रॉब्लम, तो मंत्री महोदय छगन भुजबल साहब ने राशनिंग को भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप इमीडिएटली उसको लिंक करें, कोई तरह का डिले नहीं होना चाहिए, इसका फ़ायदा सभी लोगों को पहुँचना चाहिए। और बैंकों को भी आदेश आया है कि इस तरीके के काम में लेट ना किया जाए, इमीडिएटली खाता खोला जाए और लिंक किया जाए, इसीलिए किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली जाके अपना काम करा सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग भिवंडी शहर जिला के मैं कार्यदर्श होने के हैसियत से, और हमारे साथ कार्यदर्श और हमारी पूरी टीम आज यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार ने जो नई योजना लाई है लाड़की योजना, लाड़की बहन योजना, ये योजना अंतर्गत हम लोग आज लोगों के लिए फॉर्म भरने का काम चालू है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी सुबह से आज 150-200 महिलाओं का काम चालू हो चुका और लोग लाइन लगा रहे हैं। ऐसा हमारा ये देखो आज शाम में 6 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। जिन लोगों का पेपर कम ज़्यादा रहेगा, जो बैंक की अड़चने रहेगी, वो लोग सब दूर करके वापस दोबारा लाएंगे, तो उसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी इनका काम करके दें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग पूरी तरीके से कर्तव्यदस्त रहेगी। यहाँ हम आपको बताते चले कि गुलाम हुसैन पिछले कई सालों से इसी तरह से मेगा कैंप आयोजित कर सोशल कामों में काफी एक्टिव रहते हैं, जैसे किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर देना हो, किसी का प्रमाण पत्र बनाकर देना हो, या फिर दस्तावेज जो कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर नहीं बनवा पाता। गुलाम हुसैन इस तरह का मेगा कैंप आयोजित कर कई दस्तावेज निःशुल्क वह कम समय में बनवाकर उन जरूरतमंदों को पिछले कई सालों से देते चले आ रहे हैं।
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।